ਲੜ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾ ਰਹਾ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦਿਖਾ ਤੂੰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਤੇ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ? ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਰੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰ? देखें यहाँ पे पहले इस होदी में रखे जाते हैं और ये देखें उसके बाद ये छुरी के साथ साफ किए जाते हैं। अब खुर आपको बताया था पीछे उतर जाते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे रख रहे हैं और भाई जरा गुस्सा कर रहे हैं। उस्ताद जी किन्ने साफ कर लेंगे एक दिन? अब ये नाज़रीन ये काम कुछ इस तरह का है कि इसमें ज़ाहिरी बात है कि पाँव का भी इस्तेमाल होगा, हाथ का भी इस्तेमाल होगा, छुरी का भी इस्तेमाल होगा और उसके बाद ये ऊपर से जो उसका मैल है या जला है वो उतार के यहाँ पे रखेंगे। तैयार है? तैयार है? ये खाने वाली शय है, ये नीचे आपने गंदे पानी सीवरेज के पानी में, कौन से गंदे पानी में? ये बाद में साफ होता है। आप यहाँ पे दफा 144 की जो है वो कलावर दी कर रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे फूड स्टैंडर्ड देख लें कि यहाँ पे ये देखें ये सबसे पहला वो साफ सुथरा पानी है का चश्मा है जो भाई ने लगाया हुआ है, यहाँ पे धोए जाएंगे। ये देखें ये साफ पानी का चश्मा है, इसमें धोए जाएंगे। उसके बाद जिसमें जलाया जाना है, चलें जी जला रहे हैं, जल के चीज़ जो है वो हाइजेनिक हो जाती है। लेकिन आप ये प्लास्टिक सार रहे हैं, आपके पास कोयले नहीं है, आप प्लास्टिक सार सकते हैं? कोयले कहाँ से लाएं? प्लास्टिक कहाँ से लाएं? मैंने दिया प्लास्टिक आपको। कोयले में काम नहीं होता है? कोयले में काम नहीं होता। किस पे काम होता है? आप प्लास्टिक सार रहे हैं यार? नाज़रीन पीछे मैं इस जो फजाई आलूदगी को देख के आया था कि दफा 144 है, दफा 144 है। नाज़रीन ये यहाँ पे आज प्रोग्राम करने की दो वजूहत थी, एक ये था कि ये लोग यहाँ पे भट्टी में प्लास्टिक जला रहे हैं जो फजाई आलूदगी का बाइस है, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये एक फाइनल प्रोडक्ट है, ये अब यहाँ से दुकानों पे जाएगा, ग्राहकों के घर जाएगा और ये पड़ा हुआ है सीवरेज के पानी में। ये देखें ये गटर है, ये गटर भी दिखाइएगा, ये गटर का ढकना है, ये गटर का ढकना है, ये वॉशरूम है, ये आपको ये वॉशरूम है, यहाँ पे होदी भी है, फ्लश भी लगा हुआ है और ये देखें जो ये वॉशरूम से पानी आ रहा है उसमें ये लाहौरियों के खाबे पड़े हुए हैं, ये पाए पड़े हुए हैं बड़े, और ये अब आपके उधर आएंगे। अब मुझे नहीं पता कि इसको किस अंदाज में किस केमिकल से धोएंगे तो ये खाने के काबिल होंगे। पंजाब जो फूड अथॉरिटी है उनके आगे हम दरख्वास्त करते हैं कि मुझे बहरहाल ये लग रहा है कि जो चीज़ आपने सीवरेज में रखी हुई है अब इसके बाद इसको क्या करेंगे कि ये हाइजेनिक हो जाएगी। देखें प्लास्टिक की बोतलें और शीशा, प्लास्टिक कवर्स, प्लास्टिक के जो सामान है वो, पाइप, दवाई की दवाई डायलिसिस वाला फिल्टर है, डायलिसिस वाला फिल्टर है। या आपको लगता है कि ये इसके धुएं में ये ठीक फूड बन रही होगी? नहीं जी ये ठीक तो नहीं है, ये तो गलत ही वेस्ट नहीं होनी चाहिए, वो तो कहती है हम लकड़ियां जलाते हैं। अच्छा एक चीज और, टीका, अब पता नहीं ये कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है और भाई बता रहे हैं कि वो डायलिसिस का फिल्टर था। उसके अलावा ये देख, मोबाइल कवर, ये देख पेस्ट, ये यहाँ पे जलाया जा रहा है, ये देखें ना जिसमें ब्लड टेस्ट किया जाता है, इन्हें यहाँ पे जला के और यहाँ पे दीगर अदवायात की जो शीशियाँ हैं, मेडिकम की वो टूथपेस्ट का वो रैपर पड़ा हुआ है, उसके बाद क्रीम, ये अब ये देखें, ये अल्लाह माफ करिए, देखें हेयर रिमूविंग क्रीम, बाल सफा क्रीम, और ये देखें यहाँ पे ये रखा हुआ है और यहीं से लगा के इसको घसीटते हुए अंदर लेके जाएंगे ताकि कुछ कूड़ा अंदर जाए, आग जो है वो भर के, और उसके बाद कुछ इस हालत में निकाले जाते हैं और कुछ इस हालत में निकाले जाते हैं। इसके बाद वो जो साफ़ सुथरा पानी रखा हुआ है
उसमें धोने के बाद नीचे सीवरेज के पानी में रख देते हैं। कौन बनांदा पट्टी फैक्ट्री मार भेजीदा ओ भेजदे फैक्ट्री च भेजीदा ए मतलब इस तरह आंदी है ये ए मारे के छोड़ रही दा गंदे ए गंदे ते ए जरा विच ए चर्बी है की चर्बी दा की होंदा ओ चर्बी हो गए बंदे नु देई दे ते ओ मार का काल चर्बी दा की बंदा साबन ये अब साफ सुथरा हां जी साफ सुथरा ये नमक लगा देना दो का नमक कैसे लगाते मैं सिर्फ देखना चाह रहा हूं ये नाजिन जो बकाया जात होती है बकरे की लगाए जरा लगाए मैं देखना चाहता हूँ ये भी ये गंदी है ये साफ होनी है अभी ये चर्बी है ये चर्बी है ये जरा करें कैसे साफ करें इसमें नमक लग गया है नहीं अभी ये लगाया अच्छा जरा लगाए अच्छा इसको बकायदा तौर बांधा भी जाता है अच्छा ये एक एक आंदर को पहले साफ किया जाता है इसके अंदर गंद होता है गंद गोया होता है हाँ जी ठीक है बकरे के अंदर से निकलता है अच्छा ये बकरे की सारी लग रही है हाँ जी ये वाली बड़े की नहीं सी इसमें कर दे अच्छा बकरे का क्या होता है बड़े सी कभी किता नहीं ये बकरे पाकिस्तान जी धागा बंदा या बाहर जाती किते पाकिस्तान जी ये बाहर जाता है ये बाहर के मूल मतलब ये देखो बेचा जाता है हाँ जी और ये क्या बड़े पैमाने भी बेचा जाता होगा हाँ जी बड़ी फैक्ट्री में इतने त्याग करना बड़ी फैक्ट्री जाते हैं उगो फिर जो मर्जी करते हैं ये देखे नाजिम ये गंद जो है उसी तरफ जाई जा रहा है और ये एक नाली मतलब कि एक धागा बन रहा है और दूसरी तरफ वो आगे से कर कैसी है जी जी ये तो बड़ा मेहनत वाला काम है ये तो सारा दिन लग जाता होगा हाँ जी मजदूरी कर रहे हैं सारे ये यहाँ से आप किसको देते हैं फैक्ट्री में फैक्ट्री में और हाँ। वो फिर सारा इकट्ठा करके बाहर भेजते हैं वो भी सफाई करते हैं अच्छा वो खुश करते होंगे दोबारा भी ऐसे सफाई होती है दोबारा फिर ये अच्छा ये पानी भी डाला जा रहा है ताकि अंदर से साफ हो जाए वो चेक कर रहे हैं अगर सुराख ना हो कोई अच्छा जो सुराख होगी उस चेक कर रहे हैं अगर सुराख ना हो तो फिर उसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छा मतलब सुराख वाला नहीं जाने देना वो होती है वो आगे काम होता है अच्छा उसके आगे ये काम है भाई आपका क्या काम है भाई ये भाई करता है अच्छा ये तैयार जो होगा ना इसमें पानी फेर के इसकी मैश हो रही है इसको नापते कैसे नाप रहे हैं ना ये मतलब कि ये कौन सा धागा बनता है धागा नहीं ये कंपनी में जाता है ना वो धागे बांधते हैं हम ऐसे रख लेते हैं धागा तो पास ही नहीं बनता नहीं वो जो अगली कंपनी के पास जाता है ना वो इसकी कटिंग करते हैं इसकी तैयारी करते हैं हम किस किस्म का धागा बनता है मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ अपने इल्म के लिए नहीं धागे वो ही बांधते हैं हमें पता नहीं कौन कौन आपको ये नहीं पता क्या बनता है मतलब कि धागा आपको लगता है कि बनाते होंगे धागा बांधते हैं पर क्वालिटी जो ललरा हो गई फिर अच्छा, उसके हिसाब से धागा बांध लें कौन सा धागा ही बनता है कोई और भी इस्तेमाल होता है इसका नहीं धागा तो कोई बांधते हैं अच्छा क्योंकि बहुत से ऐसे ये गलत फहमी हो सकती है गुमान हो सकता है कि बहुत लोग कहते हैं पता नहीं को नूडल्स वूडल्स बनाते हैं इसकी नहीं ऐसे नहीं, नहीं। क्योंकि मुझे भी नहीं पता मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता लोग ऐसे गुमान करते हैं इनका अच्छा ठीक है ये नाजरीन बहुत ज्यादा स्लिपरी जगह है और बता रहे हैं कि ये हमारा स्लॉटर हाउस से हमारा वो है कॉन्ट्रैक्ट है लगा के इसमें रखा जाएगा और इसके बाद ये देखे नाजरीन ये सूख जाता है मतलब कि ये पड़ा हुआ है ना ये पक जाता है शाही शाही बनाते हैं वो जो है प्लास्टिक जलाते हैं और ये नाजरीन आज आपको जो बकरा मंडी है उसकी बैक साइड दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं सामने कमेला ऐसे बकरे बकरे ज़िबा कर देते हैं हाँ जी वो कर देते हैं नहीं इतने नहीं ज़िबा करते और शापन होते हैं सही लेकिन मैं ऐसे हो जाते हैं जब दौड़ चले हैं नहीं नहीं ऐसा कोई काम नहीं होता ठीक है क्या हाल है भैया आप ठीक है आप होते हैं आप बताएं जरा यहाँ से शुरू करते हैं ये सारी चर्बी आती है ये सारी चर्बी आती है इसको फिर ये क्या हो रहा है इसका कीमा किया जा रहा है ये कीमा करके चर्बी डालनी है ये मुस्लिम सोच साबुन वाले को जानी है अच्छा ये साबुन के लिए जाती है पता कि ये चर्बी आती है इसको साफ भी करते हैं नहीं 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 चर्बी सारी ऐसी ऐसे डालकर ये अभी सही है खराब है सही है तो ये बिल्कुल ये इधर देखो नरम होता है जो मोटा जानवर होगा तो चर्बी बाहरी निकलती है जो कमजोर होगा तो इसमें ऐसी निकल तो ये कीमा करके इसी तरह चल जाएगा तो ये जो ये आपने कराहे लगाए हैं ये किस चीज के हैं ये चर्बी निकलती है चर्बी का तेल निकाल रहे हैं ये साबुन वाले के पास जाती है वो भी दे रहे हो
भी साबन ते जा रहा है, तेल कट के भी साबन जा रहा है? नहीं नहीं, तेल ही साबन ते जा रहा है। अच्छा, कीमा करके ते फिर तेल कट दो? हां जी। और मैं ना कि पापड़ शापड़ लेने ना दे रहे हो? नहीं 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 नहीं, पाकिस्तानी ते सब कुछ चल जांदा है। ओ भैया, बंदियां नु साठे ती पुत्र नहीं है। एक मिनट जरा ना, मैं तुमसे देखना जा रहा है। ए ए उसके बाद ए हड्डी बाद फील्ड है की है? हैं ए फील्ड जे फील्ड किंदी है? फील्ड है जे पंदी जे मछली फील्ड है। सिर्फ जानवर खाते? पठान बंदे खाते ने उथे पेशावर, पठान आप खाते ने खुशी न। किस तरह पका के? काढ़ के, मतलब के सूप शूप बनता? नहीं नहीं, ये काढ़ कर ना खाते है। ये बुगड़ी है क्या? ये नाज़रीन बता रहे हैं कि अच्छा, ये अंदर हड्डियां रखी हुई हैं? हड्डियां नहीं है, ये कमेले का माल है। कमेला क्या होता है? जहाँ पे स्लॉटर होता है। हाँ। नहीं, इसमें है क्या क्या? चर्बी है सारी। नहीं, हड्डियां भी है ना बीच में? हड्डी वो छोटी आ जाती है बकरे की। तो ये अब इसमें तेल निकल रहा है? हाँ, तेल निकल, ऑयल बना रहे हैं। हाँ जी। और उसके बाद आपने फैक्ट्री को दे दिया? हाँ जी, मुस्लिम सौफ। ठीक है। अच्छा यार, यहाँ पे पूरा लाहौर बंद है, दफा 144 का नफाज है, ये वाला क्यों बंद कर दिया वैसे? क्या तेल निकल गया? नहीं नहीं नहीं, अभी आग बाल नहीं। ठीक है। अच्छा। यार ये देखो ना, स्मोक दे, तेल निकल गया, दिखा सकते हो? हाँ जी। तेल कितने पे निकला? ये देख, इधर ही है। ये तेल बन गया? हाँ जी। ओह, इसकी स्मेल भी है। यो पक जू गया। हाँ, और वे ना कि किसी और ना वे ना लौर है ते खोते को आते ने? नहीं, ओ है ओ खोते वाले ने शक्लां भी देखने आ चाहिए दी ने, खोते वाले ने शक्लां। अच्छा, ए स्मोक दा की करना जी यार? ए पूरा लौर बंद कीता है। इधर देखो, लकड़ बार ने लकड़ ते हाल है, ए लकड़ बार। अब जेरे बाकी सारे देखो, ए दूसरेयां दे अंदर जाके देखो किवें स्मेल आ रही है। ए साफ सुथरा काम कीता है, लेकिन आई ते उन्हें सारा कुछ बंद कीता है। बाचो से भी कर नहीं, तुसी असी बंद नहीं कराने, मैं सिर्फ तुए दे वजह ते पूछना आया के। नाज़रीन ये देखें, ये आपको आज दिखा रहे थे कि एक बकरा मंडी तो होती है, आपको लगता है कि सिर्फ बकरा ज़िबा होता है, उसका गोश्त आप तक पहुंच जाता है, उसके पीछे बहुत से वो अशिया होती हैं, उसकी जो आंदरे हैं वो आपको दिखाया कि किस तरह से उनको साफ किया। आंदरा का की बंदा? आंदरा का रोता निकल के जाता चाइना च। वो बंदा की है? वो उथे जाके कीमा पैक होता है, चाइनीस। आंदरा दे विच कीमा पैक होता है? हाँ जी। नूडल्स है? हाँ जी। चाइनीज़ खांदे ने, असीं पाकिस्तान वाले धागा इस्तेमाल करने।